हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन से पहले पढ़ेंगे आइगन वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले देखेंगे हम आइगन वैल्यू ऑफ ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? तो पहले लेट ए बी अ ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, वो अपर ट्रेंगुलर हो सकता है या लोअर ट्रेंगुलर हो सकता है। देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर इट्स डायगोनल एंट्रीज। बेसिकली यहाँ पे अगर नीचे देखें, ये सपोज आइगन मैट्रिक्स है जो कि अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इस कंडीशन में इसकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो पहले ए माइनस लेमडा आई क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ पे लेमडा या वन सॉरी वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, क्योंकि लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपल रूल्स हैं, इन्हें बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया ए वन वन माइनस लैम्डा, और इस तरह से ये हो गया। हमें इसका एक्सप्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू इस ए वन वन माइनस लैम्डा। तो डिटरमिनेंट्स निकालना होगा, तो डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए यही करना होगा। तो इस रो को छोड़ा, इस रो को छोड़ा, तो ये हो गया हमारे पास ए वन वन माइनस लैम्डा, और अंदर वाली टर्म यानी कि इसका मल्टीप्लाई इस तरह से। तो ये हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, और बेसिकली इनका मल्टीप्लाई जो कि जीरो आता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी इसके करस्पॉन्डिंग तो जीरो आएगा। तो हमारे पास ओनली क्या आ गया, ए वन वन माइनस लैम्बडा, ए टू टू माइनस लैम्बडा, ए थ्री थ्री माइनस लैम्बडा। तो यहाँ से हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू क्या आ गई, इसको जीरो के ऊपर पुट करेंगे तो ये इसकी आइगन वैल्यू जा चुकी है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ए बराबर ये मैट्रिक्स है हमारे पास। फाइंड द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखते हैं, तो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किस तरह से आएंगे? सिक्स माइनस लेमडा, जीरो माइनस लेमडा, बेसिकली माइनस लेमडा, सेवन माइनस लेमडा, माइनस फोर माइनस लेमडा, एंड माइनस सेवन माइनस लेमडा। तो ये तो हमारे पास का ए माइनस लैम्डा आई हो जाएगा। अब इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, क्योंकि ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर की एंट्री सारी जीरो है, तो सिक्स माइनस लैम्डा यहाँ, और ये माइनस लैम्डा यहाँ पे भी माइनस लैम्डा, सॉरी सेवन माइनस लैम्डा, यहाँ से माइनस फोर माइनस लैम्डा, और यहाँ से सेवन माइनस लैम्डा। तो ये आया हमारे पास, तो यहाँ से लैम्डा बराबर आ चुके हैं हमारे पास सिक्स जीरो यहाँ से, और सेवन यहाँ से फोर, और यहाँ से सॉरी यहाँ से माइनस फोर, और यहाँ से हमारे पास सेवन। तो जो जो कि डायगोनल में जो एंट्रीज थी वही हमारे पास यहाँ पे इसकी इसकी हमारे पास आइगन वैल्यूज आई हैं। अब यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द ज्योमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यू। तो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी अगर हम देखें, तो बेसिकली यहाँ पे सिक्स सेवन माइ ये आया हमारे पास, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लेमडा माइनस सिक्स, और ये हमारे पास लेमडा, और ये हो गया हमारे पास लेमडा माइनस सेवन का स्क्वायर, और ये माइनस, फिर से यहाँ से कॉमन ले लिया तो फोर सॉरी लेमडा माइनस सेवन सॉरी लेमडा माइनस फोर, ये वाली टर्म लास्ट वाली टर्म। तो यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी देखें, तो वन लेमडा बराबर सिक्स की जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो वन, इसकी पावर जो है वो वन है, तो लेमडा बराबर जीरो की एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी वन होगा। लेमडा माइनस सेवन का स्क्वायर यानी इसकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी टू होगी। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से हम इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी निकाली थी। बेसिकली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखना होगा कि बेसिकली सिक्स माइनस लैम्डा यानी पहले हम देखेंगे ए माइनस सिक्स लैम्डा, अगर सिक्स के लिए देखेंगे ए माइनस सिक्स लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो डायमेंशन जो आएगी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, इसकी जो डायमेंशन कितनी है, जो डायमेंशन आएगी वो हमारे पास इसकी आइगन इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होगी। तो वो आप इजीली निकाल सकते हो, हमने प्रीवियस वीडियो में वो निकाल के पढ़ा भी था। और यहाँ पे भी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स डी हुज ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर ऑल जीरो।
आर्कल डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ जो एंट्रीज होंगी इन्हीं में भी, इन्हीं में ऑफ डायगोनल एंट्री का मतलब होता है डायगोनल के अलावा, यानी इसके अलावा जो एंट्रीज होंगी वो जीरो हो तो वो कहलाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर देखें तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि ये वाली टर्म एंड इससे नीचे वाली टर्म जो जीरोज हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है, आई डायगोनल आर डायगोनल मैट्रिक्स इज क्लियरली ऑल्सो ए ट्रेंगुलर मैट्रिक्स एंड देयरफॉर द आइगन वैल्यू ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स डी इज सिंपली अ डायगोनल एंट्री, यानी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसकी एंट्री, उसकी जो आइगन वैल्यू जो होंगी वो डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी वही होंगी। मोर ओवर द पावर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कैन बी कंप्यूटेड, जैसे सपोज डी बराबर ये है तो ये लैम्डा वन जीरो ये हो गया, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ये लैम्डा वन स्क्वायर और लैम्डा टू स्क्वायर, तो इसी तरह से डी की पावर के जो है वो इस तरह से कंप्यूट किया जा सकता है कि डी की पावर के बराबर लैम्डा वन की पावर के जीरो जीरो एंड लैम्डा टू की पावर के। अब यहाँ से आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट डायगोनलाइजेशन का, तो हमने ये हमारे पढ़ा था कि सिमिलर मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें, कि ई और बी सिमिलर मैट्रिक्स होते हैं अगर उनके लिए एक पी जो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है इस तरह से एग्जिस्ट होगी ए बराबर पी बी पी इनवर्स। तो अब यहाँ से हम देते हैं आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनलाइजेबल, कोई मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल कब कहलाता है, इफ इट इज सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स डी, अगर ये किसी डायगोनल मैट्रिक्स डी के सिमिलर हो तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो ए जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, यानी उसको डायगोनल में की फॉर्म में लिखा जा सकता है, रो ऑपरेशन चेंज करके करके उसको डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगी उस नॉन डायगोनल जो एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी, बाकी डायगोनल में जीरो एंड नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली डी बराबर ये मैट्रिक्स होता है सच दैट ए बराबर पी डी पी इनवर्स मैपिंग ऑन द राइट हैंड साइड, अगर ये हमारे पास दोनों तरफ हम इस इक्वेशन में ए पी डी इनवर्स में अगर दोनों दोनों साइड पी से मल्टीप्लाई करें तो ए पी बराबर पी डी, तो यहाँ से ए पी बराबर आ गया हमारे पास, बेसिकली ए पी क्या है हमारे पास ए बी वन, क्योंकि पी जो है वो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई है, वेक्टर्स मैट्रिक्स है, तो ए बी वन ए बी टू डॉट डॉट ए बी एन, और पी डी क्या है हमारे पास, पी डी क्या है, पी जो है वो वेक्टर्स है और डी जो है वो डायगोनल एंट्रीज है, तो ये यहाँ से आ जाएगा लेमडा वन वी वन, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो लेमडा वन वी वन लिख सकते हैं, वी वन लेमडा वन कुछ भी लिख सकते हैं, तो ये लेमडा वन वी वन लेमडा टू वी टू डॉट डॉट लेमडा एन वी एन, तो इस कंडीशन में हमारे पास, और ये कंडीशन होल्ड ही कर रही है क्योंकि ए पी बराबर पी डी यहाँ से, तो यहाँ से ए बी वन बराबर ए बी टू डॉट डॉट ए बी एन, तो ये हमारे पास होगा, ये इक्वल कब होंगे जब ए बी आई इक्वल होगा लेमडा आई वी आई के, तो यहाँ से ये हमारे पास रिलेशन आ गया ए बी आई इक्वल टू लेमडा आई वी आई, दस द कॉलम बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन ऑफ पी आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए फॉर्म द बेसिस फॉर आर एन बिकॉज पी इज इन्वर्टेबल, इन कंक्लूजन इफ ए इज डायगोनलाइजेबल देन आर एन इज हैज अ बेसिक कंसिस्टेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हम सपोज स्टेंट ऑफ बी वन बी टू बी एन ए बेसिक ऑफ आर एन कंसिस्ट द आइगन वेक्टर ऑफ ए, लेट लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन विद द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एसोसिएटेड टू बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन रेस्पेक्टिवली, देन उस कंडीशन में पी जो है बेसिकली इन दोनों इनका मैट्रिक्स है, देन पी इज इन्वर्टेबल बिकॉज इन्वर्टेबल है क्योंकि बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट जब होता है हमारे पास उसका एक ओनली यूनिक सॉल्यूशन है कि सी आई जो है वो जीरो होता है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड लेट डी बराबर ये मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, नाउ सिंस ए बी आई बराबर लैम्डा आई बी आई, तो इस कंडीशन में हम ए पी बराबर लिख सकते हैं ए बी वन बी टू डॉट डॉट, तो ए बी वन ए बी टू डॉट डॉट ए बी एन, क्योंकि यहाँ पे पी की वैल्यू रखी, अब ये ए बी आई बराबर लैम्डा आई बी आई, तो यहाँ से ये पुट कर दिया, देयरफॉर ए पी बराबर ये हमारे पास लैम्डा और वी वन ये हो गया, ऑन द अदर हैंड पी डी, पी डी बराबर क्या हो गया हमारे पास, अगर इसको हम मैट को ऊपर करके लिखना चाहें तो बी वन बी टू डॉट डॉट बी एन ले और मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, बेसिकली पी और डी यही थे हमारे पास, तो ये हो गया लैम्डा वन बी वन लैम्डा टू बी टू डॉट डॉट लैम्डा एन, तो यहाँ से हो गया हमारे पास ए पी बराबर पी डी, तो यहाँ से पी इन्वर्टेबल वी हैव दिस कंडीशन।